नमस्कार किसान भाइयों, ये जो खबर है उन सभी किसान भाइयों के लिए है जो कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं, यानी जिनका अभी तक किसी भी बैंक का केसीसी लोन माफ नहीं हुआ। दोस्तों, प्रूफ के साथ खबर बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, किसानों का ऋण माफ करने की मांग। उद्योगपतियों के 7.95 लाख करोड़ के कर्ज माफ किए तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं। राजस्थान सहित अन्य राज्य की भी बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान में 20.56 लाख किसानों के 14,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर चुकी है कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार का कहना है। किसानों के 72,000 करोड़ के कर्ज माफ किए थे यूपीए सरकार ने। दोस्तों, हाल ही की न्यूज है, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपने कर्ज माफी की तो बहुत सी खबरें सुनी हैं, लेकिन दोस्तों इस खबर को भी जानिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीयकृत बैंक और वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों के किसानों के बकाया ऋणों को माफ करने की मांग की है। गहलोत ने पत्र में लिखा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में कुल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि याद दिलाना चाहूँगा कि यूपीए सरकार ने राष्ट्रीयकृत और वाणिज्य बैंकों से देश भर के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे। एनडीए सरकार आगे आकर इस तरह किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करती, ये भी विडंबना है कि इस तरह तो बीजेपी के नेता भ्रम फैलाकर राजस्थान में किसानों को भड़का रहे हैं। दूसरी ओर किसानों को एक महीने पर धरने पर बैठे हुए अभी तक कोई सकारात्मक संवाद नहीं हुआ है। दोस्तों, हम आपको इस न्यूज के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी अपनी क्या राय है कर्ज माफी को लेकर, वो भी कमेंट में बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों और आगे तक शेयर करते रहिए, जिससे आपकी बात, किसानों की बात आगे तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और किसान का जो कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसान भाई लोन ले रखा है और उनका भी कर्ज माफ हो सके। क्योंकि कोऑपरेटिव या सहकारी बैंकों के कुछ किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, लेकिन बात उन किसानों की भी आती है, क्योंकि वायदा ये किया गया था कि सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताएं। धन्यवाद।